झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। गेहूं निर्यात को लेकर पखवाड़े भर के बाद भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। रोक लगाए जाने के बाद से पोर्ट पर रखे कारोबारियों के गेहूं की रैक को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। इधर निर्यातकों के गेहूं लेने से हाथ खड़े कर दिए जाने के बाद से मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के व्यापारी मुश्किल में पड़ गए हैं। गोदामों में कई करोड़ का गेहूं स्टॉक हो गया है। इसका साइड इफेक्ट कृषि मंडियों में अनाज बेचने वाले किसानों पर सीधा असर पड़ने लगा है। जिले के ट्रेडर्स से निर्यातकों को 8 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं बेचा है। मंडी की देखरेख में पोर्ट पर गेहूं की रैक भेजी गई। पखवाड़े भर पहले केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिससे खंडवा जिले के व्यापारी की ओर से पोर्ट पर भेजी गई रैक का 50% गेहूं तब से पोर्ट पर ही रखा हुआ है, जिसमें खंडवा समेत मूंदी, पंधाना, खिड़किया, भीकनगांव आदि जगहों के व्यापारी ने मिलकर रैक भेजी है। प्रत्येक रैक में औसत 15 से 20 व्यापारियों का गेहूं एक साथ रैक में भेजा जाता था। कई व्यापारियों ने बताया कि जिले में कई बड़े निर्यातकों को व्यापारियों ने गेहूं का सौदा किया है। निर्यात की स्थिति साफ नहीं होने से सौदा रद्द कर दिया गया। किसानों ने मंडियों में व्यापारियों को लगभग 20 लाख क्विंटल गेहूँ बेचा है, जिसमें सबसे ज्यादा खंडवा कृषि उपज मंडी में 11 लाख क्विंटल से अधिक गेहूँ की आवक रही। हरसूद मंडी में 4,80,000 की आवक रही। इसके अलावा यहां पर समर्थन मूल्य पर 2,000 क्विंटल की तौल भी हुई। इसी तरह पंधाना में 2,20,000 क्विंटल की आवक रही। निर्यात प्रभावित होने के बाद कारोबारियों के स्टॉक का मिलान करने मंडी अधिकारियों का पसीना छूट रहा है। गेहूं समेत चना, सोयाबीन, मूंग, तुअर आदि अनाज खरीदने वाले ट्रेडर्स का हिसाब अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। अधिकारियों का दावा है कि व्यापारियों की ओर से की जा रही अनाज की खरीदी का हिसाब ऑनलाइन सचिव के लॉगिन पर दिखता है। इसके बाद भी मंडी के बाहर स्टॉक में रखे व्यापारियों के अनाज का हिसाब मंडी अधिकारी नहीं ले पा रहे हैं। कृषि उपज मंडी में गेहूं की आवक कम होने के बाद भी पखवाड़े भर के भीतर लगभग 300 रुपए क्विंटल भाव गिर गए। मंडी में गेहूं न्यूनतम 1861, मध्यम 1985 और अधिकतम 2173 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। 15 दिन पहले यही गेहूं के दाम 2300 रुपए से लेकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल के रहे थे। तब और अब में औसत लगभग 1539 रुपए का अंतर देखा गया है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।